बच्चों, लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसमें जो एल्युमिनियम का मेन कंपाउंड है एल्युमिना Al2O3, तो एल्युमिना का जो एल्युमिनियम का कंपाउंड है एल्युमिना Al2O3, उसे किससे प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट से। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है या मेन ओर है। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। तो एल्युमिनियम को, एल्युमिना को हम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, और प्राकृतिक रूप से जो हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है वो बॉक्साइट है। उससे हम पहले एल्युमिना प्राप्त करते हैं और फिर एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो हम लोग बोरान फैमिली के अंतर्गत इस फैमिली के सारी प्रॉपर्टीज को, पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे। बोरान के सभी कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के अंतर्गत एल्युमिना बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं और फिर एल्युमिनियम एल्युमिना से प्राप्त करते हैं। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इम्प्योरिटीज़ के आधार पर इसमें तीन प्रोसेस होती हैं। बेयर, हॉल, सल्फेट। हॉल प्रोसेस से भी बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त करते हैं, बेयर प्रोसेस से भी बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त करते हैं, और सल्फेट मेथड से भी बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त करते हैं। जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती है तो बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और जब सिलिका की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो सर्पेक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इम्प्योरिटीज के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस से हमें बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त करना है। यदि आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है तो हॉल प्रोसेस से करते हैं, और हॉल प्रोसेस में बॉक्साइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। बेयर प्रोसेस का उपयोग तब करते हैं जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब बॉक्साइट में सिलिका की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो सल्फेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हॉल प्रोसेस को हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था, जिसमें कि बॉक्साइट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो एल्युमिना Al2O3 प्राप्त होता है। जिस तो हॉल प्रोसेस का कब इस्तेमाल करते हैं? जब आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती। अब उसी के आगे बेयर प्रोसेस पढ़ते हैं। बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और बेयर प्रोसेस में बॉक्साइट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है बेयर प्रोसेस में। तो इसमें जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो बेयर बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 80 वायुमंडली दाब पर इसको गर्म करते हैं आटोक्लेव में। आटोक्लेव में इसको रिएक्शन कराई जाती है जिससे कि NaAlO2 प्राप्त होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्राप्त होता है, ये जल में घुलनशील होता है, घुल जाता है, और जो आयरन ऑक्साइड सिलिका की इम्प्योरिटीज होती है वो जल में घुलती नहीं,
तो इसको हम छान करके पृथक कर लेते हैं। तो छानने से क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं जो जल में घुलनशील नहीं होती हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड, सिलिका आदि, तो वो पृथक हो जाते हैं और हमें द्रव के रूप में घुलनशील अवस्था में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पृथक करके इसको हम जल के साथ तेजी से मिक्स करते हैं, बहुत तेजी से इसके हिलाते हैं और इसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप मिला देते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सा ताज़ा अवक्षेप, फ्रेश प्रेसिपिटेट मिला करके और तेजी से इसको हिलाते हैं सोडियम मेटा एल्युमिनेट को, तो हमें यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के बाद पश्चात इसको जल से धुलते हैं और फिर जल से धुलने के पश्चात थोड़ा सुखा लेते हैं और इसके पश्चात इसको तेजी से गर्म करते हैं लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एल्यूमिना हमको प्राप्त होता है बॉक्साइट से बेयर प्रोसेस। तो बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो बेयर पढ़ दिया, हॉल पढ़ दिया, अब इसके बाद तीसरा क्या है, सरपेक प्रोसेस। सरपेक का इस्तेमाल कब करते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने में, जब बॉक्साइट में सिलिका की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सिलिका की इम्प्योरिटीज घटाने के लिए क्या करते हैं, बॉक्साइट को कार्बन, कोक या कोयला और नाइट्रोजन के साथ इसको गर्म करते हैं, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और जल। और इसमें भी क्या करते हैं, छान लेते हैं। छानने से क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड और सिलिका की इम्प्योरिटीज होती है वो छन करके पृथक हो जाती है, एल्युमिनियम नाइट्राइड को हम प्राप्त कर लेते हैं। और एल्युमिनियम नाइट्राइड को प्राप्त करने के बाद इसी में साथ में क्या होता है, जो सिलिका होता है, क्योंकि सिलिका की इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है तभी हम सरपेक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिका SiO2 की कार्बन से रिएक्शन हो जाती है तो सिलिकॉन ये अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो सिलिका सिलिकॉन, सिलिका से सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड पृथक होकर के और सेपरेट हो जाते हैं, सिलिका हट जाती है और इसके पश्चात एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ हम बहुत तेज गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, AlOH का होल ट्राइज और अमोनिया प्राप्त होती है। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, अच्छी तरह से जल से साफ करके सुखा लेते हैं और उसके पश्चात एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं बहुत तेजी से अधिक ताप पर, अर्थात इसका कैल्सिनेशन या निस्तापन करते हैं। तो निस्तापन करने के बाद एल्युमिनियम एल्युमिना Al2O3 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बॉक्साइट से एल्युमिना प्राप्त करने की तीन विधियां हैं, बेयर, हॉल, सरपेक। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क या ओर है, इसमें दो चीजों की इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है, आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन की, सिलिका की। तो आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा है तो हॉल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एल्युमिनियम बॉक्साइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। इसके पश्चात यदि बॉक्साइड में आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो बेयर प्रोसेस के द्वारा हम बॉक्साइड से एल्युमिना प्राप्त करते हैं, इसमें बॉक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। और तीसरी क्या होती है, सरफेक मेथड, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब बॉक्साइट में सिलिका की इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें बॉक्साइट की रिएक्शन कोयले से, कोक से और नाइट्रोजन से कराते हैं रिएक्शन। तो इस प्रकार से
बॉक्साइट से एलुमिना प्राप्त करने की तीन प्रोसेस बेयर हॉल सर्पिंग, और इन तीनों विधियों का इस्तेमाल इनमें बॉक्साइट में उपस्थित इम्प्योरिटीज के आधार पर डिसाइड करते हैं कि हम किस प्रोसेस के द्वारा बॉक्साइट से एलुमिना प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम एलुमिना प्राप्त करने की, जो एल्युमिनियम का मेन कंपाउंड है एलुमिना, ये बॉक्साइट से हम कैसे प्राप्त करते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे कि जो एलुमिना होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज, एलुमिना और दूसरे जो इसके कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।